हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टीवी शोज के बारे में। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मैंने एक्चुअली कभी टीवी शोज के बारे में बात ही नहीं की है। मुझे टीवी शोज देखना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा बारीकी के साथ देखना अच्छा लगता है। क्या चल रहा है, बैकग्राउंड कैसी है, कपड़े कैसे हैं, एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ फेवरेट टीवी शोज या कुछ वेब सीरीज जो मैंने पीछे कुछ समय में देखी है। अभी मुझे लगता है कि टीवी को लेके सारे दोस्तों का जो स्टाइल है या पसंद है वो डिफरेंट हो सकती है। मेरी जैसी पसंद के कोई और भी होंगे। मुझे कैसा पसंद है, मुझे हंसना पसंद है, मुझे रोमांस पसंद है, मुझे विक्टोरियन चीजें पसंद है, मुझे क्राइम पसंद है, मुझे ओल्ड चीजें पसंद है, या फिर बहुत ही ज्यादा इंटेंस किस्म की चीजें पसंद है। सो उसी के चलते जो भी मेरे फेवरेट टीवी शोज हैं या वेब सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू, ज्यादा देरी किए बिना हम जल्दी से बातचीत करना शुरू करते हैं। पर पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मैं वहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ मुझे लगता है। और कमेंट जरूर करना अगर इसमें आपका कोई फेवरेट नहीं है, और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं अपना फेवरेट टीवी शो जरूर से करना। मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने लिस्ट बनाई है। मैंने बहुत सोचा कि मैं कौन कौन से टीवी शोज बताना चाहूंगी, पर पता नहीं मैं पूरे लिख पाई हूँ या नहीं, वो बाद में मुझे याद आएगा, पर मैंने काफी कुछ तो लिखा है। ओके, हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी वेब सीरीज में से मुझे दिल्ली क्राइम, जो कि वो निर्भया रेप केस पे बनी थी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसमें शेफाली शाह की एक्टिंग इतनी मजेदार है। What happened? We don't have the details yet, but I don't know, there's just something not right. I am DCP South District. You, madam. This crime is not just heinous. It's insanity. और उन्होंने जो विक्टिम था उसकी कोई वीडियो नहीं दिखाई, बट फिर भी वो सारी चीजें इतनी अच्छी तरह क्रिएट कर ली कि आपका अंदर अंदर तक आप हिल जाएंगे उस क्राइम स्टोरी को देख के। We have two victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। इस लड़की के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो जरूर से देखें, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, और उसमें शेफाली शाह को अवार्ड भी मिला है। दूसरी मुझे हिंदी की बहुत ज्यादा अच्छी लगी पाताल लोक। उसमें वो पंजाबी एक्टर है जिसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत लगती है एक्चुअली। बहुत समय पहले मैंने एक पंजाबी फिल्म देखी थी किस्सा, जिसमें वो था, उसका छोटा सा ही रोल था, बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी एक्टिंग ने मुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया था उसकी तरफ कि यार ये कितना सही एक्टर है। तो अब उसकी एक्टिंग का लेवल जो बढ़ रहा है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा पाताल लोक देखने का रीज़न बस उसी की एक्टिंग की वजह से ही था, और मज़ेदार लगी मुझे वो, बहुत इंटेंस थी। सी किसके लिए? सी फॉर चाकू। बहुत ही अजीब किस्म के सीन्स भी हैं उसमें। जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं तीन दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। पर आई रियली लाइक डेट। आई एम नॉट श्योर कि आपको अच्छी लगेगी या नहीं। वैसे डार्क एंड क्रिमिनल किस्म की वीडियोस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही होगा। सो वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तीसरी मुझे सुष्मिता सेन की आर्या बहुत अच्छी लगी। उसमें वो भी क्राइम से रिलेटेड ही सीरीज है, उसमें सुष्मिता सेन की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि नहीं आर्या? तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए? Why is there a gun in the house? I'll divorce you. Don't talk like that, yes. और चंद्रचूड़ भी है उसमें, उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। सो सारी लाइक स्टोरी लाइन है या जैसे भी वो वीडियो चलती है, सीन टू सीन स्क्रीन प्ले, सारा कुछ मुझे बहुत मज़ेदार लगा। उसने हमें सीरी के एंड तक जोड़ के रखा अपने साथ। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टीवी शो के लिए कि आप एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि जोड़ के रखना अपनी ऑडियंस को इतना आसान नहीं होता है। सो मुझे बहुत अच्छी, फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिंदी में सेक्रेट गेम, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लंबी वेब सीरीज है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, पर नवाजुद्दीन सदीकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत 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 मज़ेदार लगती है। वार्निंग का इस करेंसी के साथ कलेक्शन हो सकता है। I need a cop like you. और ये जो सीक्रेट गेम्स वेब सीरीज है, ये
बहुत ही आपके मेंटल स्टेट के साथ डील करती है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो बाबे की शरण में चला जाता है और उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो डिफरेंट तरीके से सोचने लग जाता है, ये आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। और सैफ अली खान की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कौन? सुनो ना, लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा, 25 दिन है, बचा लेना अपने शहर को। बहुत मजेदार लगी वो। अगर आपने वो ऑलरेडी देखी है तो मुझे जरूर से बताना कि आप भी वैसी चीजें आपको अच्छी लगती है, जरूर से देखें। अगर आपको क्राइम किस्म की अजीब डार्क, जब लास्ट में पता चलता है कि जो बंदा क्राइम करवा रहा है वो किसी तरीके से इंस्पेक्टर के साथ रिलेटेड था, दैट वाज अमेजिंग, मुझे बहुत मजेदार लगी। फोर मोर शॉट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो चार डिफरेंट गर्ल्स की स्टोरी है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, उनकी दोस्ती और उनकी जो बैक लाइन पे स्टोरी चल रही है, एक मैरिड है, एक का बच्चा है, दूसरी गे है, एंड तीसरी गर्ल है जो कंफ्यूज है कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, किससे लव करती है, वो करियर ओरिएंटेड है। I'm Anjana, a single mother. I'm Damini, super ambitious, super successful. I'm Umang, bisexual. I'm Siddhi, my mom hates me. मजेदार है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उम्मीद नहीं थी कि मुझे अच्छी लगेगी, पर मैंने देखना शुरू किया पर उसने like इंटरेस्ट बन गया मेरा। Bartender, four shots please to freedom. मजेदार लगी मुझे। अगली हिंदी मुझे जो लाइट सी है मजेदार लगी वो है मेड इन हेवन। वो वेब सीरी है वेडिंग प्लानर्स के बारे में, कैसे उनकी लाइफ, उनका करियर चलता है और उनकी बैक एंड पे लाइफ चल रही है। एक गर्ल है, उसका हस्बैंड है, कैसे वो उसको इन्फ्लुएंस करता है या कैसे वो एक नॉर्मल सी फैमिली को बिलोंग करती है और वो फेक करती है कि वो बहुत ज्यादा क्लासी है, बहुत ज्यादा रिच, प्रिटेंड करती है उसकी ड्रेसिंग पहले कैसी थी अब कैसी है। बैक एंड पे उसके दिमाग में चलता रहता है कि वो एक्चुअल में उस जगह को बिलोंग करती है, कैसे वो अपनी जो उसकी रूट्स है उससे वो दूर है और अपनी फैमिली को भी, फैमिली के साथ मिक्स होना भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि उनकी क्लास नहीं है। दूसरा जो उसका पार्टनर है वो गे है और उसकी लाइफ की जो कन्फ्यूजन है वो कैसे चलती है, एंड उन दोनों का करियर एक साथ चल रहा है, जो भी वो वेडिंग प्लान करते हैं उसमें भी कोई ना कोई पंगा हो जाता है, तो फिर वो कैसे उस पंगे को डील करते हैं। सो इंटरेस्टिंग है, वो लाइट है, इंटरेस्टिंग है, पर स्टिल काफी हमारी रोजाना जिंदगी के काफी गंभीर मुद्दे आएंगे। See style, the people will not understand, na? They will think we are not spending. More gold? Yes. I think just enjoy it. I like working more. Decided to get married. ओके, एक बहुत ही ज़्यादा लाइट सी और मुझे अच्छी लगी, उसका नाम है पंचायत। आई थिंक वो अमेजोन प्राइम पे है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूँगी और ये भी छोड़ दूँगी कि आप इनको कहाँ पे देख सकते हैं। पंचायत एक लड़का है जिसको सरकारी नौकरी मिलती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा रूलर से गाँव में चला जाता है और उस गाँव में उसकी लाइफ कैसे होती है, कैसे आसपास के पड़ोसी उसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालते हैं, और जो कि बहुत नॉर्मल सा लगता है पर उसे बहुत इंटेंस लगता है, पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लाइट सी है। आप एक ही बार में मुझे लगता है 9-10 एपिसोड्स हैं वो देख लेंगे। 20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है। हम हुए विकास, आपका ऑफिस सहायक। अरे अपने घर में रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे। सो ये तो है हिंदी वेब सीरीज जो मैंने देखी है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, जो मैं चाहूंगी कि आप भी देखें। बाकी मैंने कई चीज़ें और देखने की कोशिश की पर मज़ा नहीं आया। सो अब मैं बताऊंगी आपको इंग्लिश के टीवी शोज़ जो मुझे बहुत अच्छे लगे। इंग्लिश के बहुत 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 सारे शोज़ देखे मैंने, एंड सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, वो नंबर वन से हिल नहीं सकता है, वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने उसे सारे सीजन्स को, सारे एपिसोड्स को कम से कम 10-15 बार देखा होगा। मुझे एक एक डायलॉग, एक एक एपिसोड में क्या हो रहा है सब कुछ याद है। लाइक कोई भी सीन बताएंगे मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। इतना ज़्यादा वो मेरा फेवरेट है और इतना मज़ेदार है वो। उसमें 6 फ्रेंड्स हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। कुछ एक दूसरे से पुराने समय से नॉन है क्योंकि वो स्कूल्स में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे। फिर ब्रदर सिस्टर है उसमें, एंड उनके पेरेंट्स की स्टोरी चलती है, उनकी
लव स्टोरी चलती है, उनका रोमांस चलता है, उनकी मैरिड लाइफ चलती है, उनके बच्चे, उनकी प्यारी दोस्ती, लाई लाफ एंड सब कुछ है उसमें। वो जो वेब सीरीज है पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक 280 प्लस एपिसोड्स है उसके, और वो सारे एपिसोड्स एक से एक अच्छा है। ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा है। Oh wait, I don't have to lie to you. You don't live here anymore. I'm eating their food. What are you doing? वो सारे एपिसोड्स इतनी अच्छी तरह बने हैं कि वो 94 में आया था, आज की जिंदगी में भी वो पूरा रेलेवेंट लगता है, तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। So friends, is that coffee coming yet? Yeah, right away, Mr. Kaplan. I'm not supposed to drink coffee. It makes me gassy. I know. फ्रेंड्स के बारे में मैं इतना ज़्यादा बातें कर सकती हूँ कि क्या बताऊँ। अगला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बेट्स मोटेल। बेट्स मोटेल साइको मूवी थी एक, आई थिंक 60s में आई थी, 1960s में। नॉर्मन बेट्स है उस मूवी का मेन करेक्टर, उस मूवी पे बेस्ड है ये। एक्चुअली ये मूवी मुझे लगता है किसी नॉवल पे बनी थी। सो जो मेन करेक्टर है नॉर्मन बेट वो साइको है, पर पता नहीं चलता है एंड तक कि वो साइको है या उसकी माँ साइको है, क्योंकि उसकी माँ को भी ऐसे दिखाया जाता है कि उसकी बातें भी अजीब हैं। सो ये वेब सीरीज मुझे इतनी मज़ेदार लगी कि जब वो फिनिश हुई मैं दिल दुखी हो गया। सो ज़रूर से देखें, ये काइंड इंटेंस क्राइम भी है, मर्डर्स भी हैं, और साइको किस्म की वेब सीरीज है ये। Your mom says that sometimes you talk to people who aren't there. Sometimes you can get violently angry. और ये इतनी अच्छी तरह बनी है कि आपको हर एपिसोड अच्छा लगेगा, स्पेशली तब तक जब तक माँ मर नहीं जाती है। उसके बाद वाला एपिसोड थोड़ा मुझे अजीब लगा, पर काफ़ी इंटेंस था। और जो लड़के ने नॉर्मन बेट्स प्ले किया है उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उन 1960 वाले नॉर्मन बेट्स के साथ इतना मैच करता है वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लाइक शिवर करने का तरीका, सोचने का, वो सारा कुछ उसने इतना ब्यूटिफुली मिमिक किया है वो पुरानी मूवी के साथ। Because I understand the bond between us, the cord. I understand that it is huge and sacred and unique. And now you want to tell me that doesn't matter. Now all of a sudden there's room for someone else. Well, there isn't. And you know it. This is our world. So उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मैं उसकी फैन होगी लड़की की। अमेजिंग। अगली एक डॉक्यूमेंट्री है लॉरिना। अब वो एक स्पेनिश लेडी की स्टोरी है जिसने अपने हस्बैंड के साथ कुछ बहुत ही अनयूजुअल क्राइम कर दिया, और उसमें उसकी रियल फुटेज है, रियल बोल रही है वो उसके हस्बैंड की है, कैसे सारी दुनिया उसके साथ आ गई कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उस लेडी को नॉन गिल्टी बताया गया, क्योंकि उसकी सिचुएशन ने उसको फोर्स कर दिया ये चीज़ करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर से देखें लॉरेना, अमेजिंग लगेगा आपको। वो लड़की उसकी वीडियो, उसकी फुटेज देख के आप सोचेंगे कि ये ऐसे कुछ कर सकती है। दिस वाज अ मॉडर्न लव स्टोरी, बॉय मीट्स गर्ल, बॉय फॉल्स इन लव विद गर्ल, बॉय मैरीज गर्ल। कैसे वो बताती है कि मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे क्यों किया, कब किया, उसके बाद उसने कैसे एक्शन लिया, कैसे हिस्पैनिक कम्युनिटी उसके साथ आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था अमेरिका में, सारी उसकी फैमिली बैक होम है, वो अकेली है यहाँ पे, इतना बड़ा क्राइम है, इंग्लिश भी वो बहुत अच्छी नहीं बोलती थी। This story was irresistible. What did he do to make her do something like that? बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है, वो ज़रूर से देखें, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी मुझे क्राइम वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगली टेल मी योर सीक्रेट भी मुझे अच्छी लगी, लाइक एनी वे डाई हार्ड फैन नहीं उसकी, पर अच्छी लगी मुझे। इट्स बीन 7 इयर्स सिंस योर डॉटर वेंट मिसिंग। नो, शी वाज टेकन। नाउ आई कांट प्रूव दैट। But I know who did it. दो लेडीज़ की स्टोरी चलती है, ऐसा लगता है कि एक लेडी है जो उसने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस किस्म का क्राइम किया है, कुछ एक लेडी मिसिंग है, पर बाद में जब सच खुलता है तो कुछ और ही बन जाता है। ये भी आपको Amazon Prime पे मिल जाएगी। You need to live a quiet life here. Not attract attention to yourself. Hey. And be very careful who you form attachments to. You're not who I thought you were. I don't know whether that makes you scary or amazing. ये टेल मी योर सीक्रेट, क्योंकि ये एंड तक सीक्रेट बरकरार रहता है, एंड में पता चलता है कि एक्चुअली जो हम सोच रहे थे ऑल द टाइम स्टोरी उससे बिल्कुल डिफरेंट है।
अगली मांग मांग है जो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें जो मेन करेक्टर है एड्रियन मांग वो मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मिसेज मेजल उसके बारे में बात करेंगे वो हम। तो एड्रियन मांग है जो वो फार्मर कॉप है, उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है कुछ समय के लिए, अनलिमिटेड उसका केस चल रहा है एक्चुअली कि क्यों उसे वापस लाया जाए और या उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया जाए क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है काइंड ऑफ, और वो जॉब करने के लिए उनको लगता है डिपार्टमेंट को कि वो नहीं कर सकता है, पर वो इतना अच्छा डिटेक्टिव है कि वो एक बार किसी रूम में देखेगा तो सारी चीज़ों को याद कर लेगा, क्राइम को सॉल्व कर देगा वो कि ऐसे ऐसे हुआ था क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ पड़ी थी, वो इस जगह से पड़ी थी तो वहाँ पे मूव हुई होगी और फुटप्रिंट्स यहाँ पे थे, चीज़ें वहाँ पे थी, वो इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है तो वो कोई भी क्राइम को सॉल्व कर देता है। सो इसी वजह से जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो एक्टिव हैं क्योंकि वो एक्टिव नहीं है और वो अलाउड भी नहीं है काम करने के लिए, उसकी हेल्प लेते हैं हर बार कि हमारी हेल्प कर दो केस को सॉल्व करने के लिए, एंड ऑफ द डे वो सॉल्व कर देता है। पर वो जो करेक्टर है वो इतना ज़्यादा, उसको फोबियाज हैं बहुत सारे बंच ऑफ, एक दिन वो लिख रहा था तो उसने कितने सारे पेजेस भर दिए, उसको हर चीज़ से डर लगता है, वो हर चीज़ एक्यूरेट चाहता है कि हर चीज़ बिल्कुल सीधी हो, लाइंस में हो, सिमेट्रिकल हो। सो वो थेरेपी लेता रहता है हर टाइम, वो थेरेपी में जाता है, क्राइम सॉल्व करता है, उसकी वाइफ की स्टोरी चल रही है और उसकी अकेले की लाइफ है, जो उसकी नर्स है वो भी उसकी असिस्टेंट का काम करती है, वो भी हेल्प करती है क्राइम्स में। सो बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वेब सीरीज, बहुत गोइंग विद द फ्लो। You keep looking at that pillow. I mean, if you want to fix the pillow, it's okay. You could fix the pillow. No, really. No, I was just thinking about. No, I'm fine. Excuse me. Hold it, Pat. Where were we? हल्की फुल्की है, ज़रूर से देखिए आप, ये आपको अच्छी लगेगी। सो अब बात करते हैं मार्वलस मिसेज मेज़ल। ये 60s की हाउसवाइफ की स्टोरी है, इसमें जो फादर का रोल प्ले कर रहा है वो मॉन्क करेक्टर है मेन, एड्रियन मॉन्क। सो इस वजह से मैंने उसको देखा, पर पहले मैंने मार्वलस मिसेज मेज़ल देखी थी। सो वो 60s की हाउसवाइफ है जो कि परफेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, घर को इतना अच्छा मैनेज करती है, बहुत अच्छा फूड कुक करती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस होती है। अचानक से उसका पति एक दिन उसे कह देता है कि वो उसके साथ खुश नहीं है और वो घर को छोड़ के जाने वाला है, और वो चला जाता है। तो उसकी ज़िंदगी पूरी हिल जाती है कि क्या करूँगी अब मैं, उसे समझ में नहीं आता है कि उसकी लाइफ अब कैसे चलेगी क्योंकि वो हाउसवाइफ है, वो कुछ भी नहीं करती है। पर देन उसे रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर एक बहुत अमेजिंग हिडन टैलेंट है, वो है स्टैंड अप कॉमेडी का, और वो इतनी मज़ेदार कॉमेडी करती है कि कोई भी उसको देख के हैरान हो जाता है। तो उसको वो कंटिन्यू करती है और सक्सेस हासिल करती है, और उसके साथ उसकी फैमिली लाइफ, उसकी मम, उसका हस्बैंड भी वापस आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उस पर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके काफ़ी सारे सीजन्स हैं, काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, और जब एंड वाला सीजन आएगा, एंड वाला एपिसोड आएगा ना, तब आप करेंगे कि अगला सीजन कब आएगा, वो ऐसा शो है। सो बहुत मज़ेदार शो है, अगर आप 60s वाली लाइफ से इम्प्रेस होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं भी होते हैं, एक बार ट्राई करना, वो आपको हुक कर लेगा अपने साथ। वो लड़की के बोलने का तरीका, जैसे हॉलीवुड की 60s की मूवीज़ के करेक्टर्स होते थे, उतने अच्छी तरह वो डायलॉग्स बोलती है, इतनी फास्ट, इतना अच्छा वो एक्ट करती है, मैं उसकी फ़ैन हो गई कि इतनी परफेक्शन के साथ उसने एक्टिंग की है। वो परफेक्ट मिसेज मेज़ल। आई लव दिस मैन। जो लेफ्ट यू? Why? I was a great wife. Look at me. Who wouldn't want to come home to this every night? बहुत अच्छी लगी वेब सीरीज। ओके, एक वेब सीरीज मैंने देखी, अनडन है उसका नाम, एंड ये एनिमेटेड है। एनिमेटेड वेब सीरीज देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैंने इसको देख लिया और ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें एक लड़की है जिसकी लाइफ बैक टू बैक चलती जा रही है, सेम डे बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसके डैड के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ गलत हो गया था और उसकी लाइफ स्टक हो गई है, अगेन टाइम लैप्स हो रहा है, अगेन उसका वही दिन आता जा रहा है, और वो हर बार चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करती है कि उसका ये जो अगेन दिन बार बार आ रहा है वो चेंज हो जाए। तो एंड में जो वो करती है चेंज, तो फिर उसकी लाइफ बैक टू नॉर्मल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है। I'm so bored of living.
I wake up every morning in the same bed, I get dressed, and I eat the same breakfast and then take the same commute to work. मैंने इसके साथ मिलता जुलता कभी कुछ नहीं देखा है. तो एनिमेशन होने के बावजूद भी उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा नहीं कि आप कोई एनिमेशन देख रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सी स्टोरी है. Is this a dream? Well, partly. अगली वेब सीरीज है मॉडर्न लव. इसके हर एपिसोड में अलग से बंदे की स्टोरी आती है, लव स्टोरी आती है. हर बार डिफरेंट करेक्टर्स हैं. हर एपिसोड में डिफरेंट लोग मिलेंगे. कोई बुड्ढा है, कोई जवान के साथ प्यार हो जाता है, किसी को गर्ल के साथ हो जाता है, या किसी को किसी के साथ लव हुआ था और वो मिले नहीं हैं. सो आई थिंक 7-8 डिफरेंट लव स्टोरीज हैं. इसमें देव पटेल की भी एक स्टोरी है. और हर एक लव स्टोरी अपने आप में ही इतनी ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है. बहुत ही रोमांटिक किस्म की वेब सीरी है ये. बहुत अच्छी लगी मुझे ये. Have you ever been in love? No one's ever asked me that in an interview before. Want to grab breakfast? I just met you. ज़रूर से देखना. अगर आपने ये ऑलरेडी देखी है तो कमेंट बार में ज़रूर से बताना. Do you make time for one another? In what way? Do you have date night? Yeah. What do you do? This? अगली वेब सीरीज मुझे अच्छी लगी, शिट्स क्रीक. कनाडा में बनी है ये, कनेडियन आर्टिस्ट है, मुझे पता नहीं था. मैं सर्च कर रही थी कि मैं कौन सी वेब सीरीज देखूँ. इस ये बार बार आ रही थी कि ये बहुत अच्छी है. मुझे लगा कि यार कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ. पहले एपिसोड मुझे अनइंटरेस्टिंग लगा पर मैंने कंटिन्यू किया. दूजा, तीजा, तीजा, फिर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया कि यार ये तो बहुत मज़ेदार है. इसमें क्या होता है कि एक फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा अमीर है और उन्होंने नॉर्मल लाइफ कभी देखी नहीं है. एक दिन अचानक से कुछ होता है कि उनका सारा कुछ उनसे चला जाता है और सारी चीज़ें गवर्नमेंट जब्त कर लेती है. तो वो जो भी चीज़ें होल्ड कर सकते हैं वही वो अपने साथ रख सकते हैं. तो उसमें हस्बैंड वाइफ है, सन एंड डॉटर है. फिर उनको पता चलता है कि उनके पास एक विलेज है जो उसने ऐसे मजाक में पैसे इन्वेस्ट किए थे फादर ने. अब वो उनके पास रह गया है, वो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं. तो उस विलेज या टाउन का नाम है शिट्स क्रीक. सुनने में लगता है शिट्स क्रीक. रोजबर्ड मोटेल है, वहाँ पे वो जाके रहते हैं और अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करते हैं. कि डॉटर एंड सन को पता नहीं है कि कैसे जिएंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान, इतनी लग्जरी थी. अब उनको नॉर्मली रहना पड़ रहा है, कुछ भी उनसे हो नहीं रहा है. और वाइफ उनकी जो है वो मीडिया पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस है, कि जो वार्डरोब है बहुत बड़ी है, उसके पास विग की कलेक्शन है. सो वो कैसे नॉर्मल लाइफ के साथ कोऑपरेट करते हैं और एंड तक पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं. बहुत अमेजिंग है वो वेब सीरी. मुझे लगता है कि आपको पहले शायद दो चार एपिसोड मज़ा नहीं लगेंगे, फिर अच्छी लगेगी. मुझे इतनी अच्छी लगी कि जो मुझे पहले दो एपिसोड अच्छे नहीं लगे तो फिर मैंने दोबारा से देखे, फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगे वो कि या इट इज़ इंटरेस्टिंग. I need that bed. Why? Because I need it. Why? Because if someone were to break in here in the middle of the night wanting to murder us, they would attack this bed first. So I need this bed. So you're saying that you want me to get murdered first? In front of you? And then what would you do? Would you just run away and leave me to bleed out on the floor? Sort of. That was the plan, yeah. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो हमें ये वीडियो दो पार्ट्स में बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी बन गई है 50 मिनट्स की. सो मैंने सोचा कि 20 प्लस कुछ मिनट्स की दो वीडियोस डाल देते हैं. सो अगले पार्ट के लिए वेट करें, वो जल्दी आने वाला है, आज या कल में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. मैं मिलूँगी नए वीडियो में. आई लव यू गाइस सो मच. बाई.